नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको सोरायसिस इस बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। सोरायसिस एक बहुत ही कॉमन स्किन की बीमारी है। इस बीमारी में स्किन रेड कलर की हो जाती है, पैची स्केली हो जाती है और स्किन पे बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है। सोरायसिस ये बीमारी कई लोगों को अफेक्ट करती है। कुछ लोगों में ये पैचेस ऑब्वियसली दिखते हैं, कुछ लोगों में ऑब्वियसली दिखते नहीं है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि सोरायसिस कंटेजियस नहीं होता। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में छू के नहीं फैल सकता। सोरायसिस एक क्रॉनिक कंडीशन होता है। कई सालों तक ये कंडीशन शरीर में रह सकता है। यूजुअली हम कहते हैं कि ये लकड़े के साथ ही चला जाएगा। पूरे लाइफ स्पैन में सोरायसिस रेमिशन में जाता है, वापस से फ्लेयर अप होता है, वापस से रेमिशन में जाता है, वापस से फ्लेयर अप हो सकता है। ऐसे इसके उतार चढ़ाव चलते रह सकते हैं। यूजुअली अगर कोई ट्रिगर फैक्टर्स आ जाए तो सोरायसिस वापस से फ्लेयर अप हो सकता है। बाकी के टाइम पे दवाइयों की मदद से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की मदद से सोरायसिस को कंट्रोल में रखा जा सकता है। जैसे डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जो पूरी जिंदगी पूरी लाइफ आपके साथ ही रहता है, वैसा ही सोरायसिस भी आपके साथ ही रहता है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सोरायसिस एग्जैक्टली होता क्यों है? अभी तक सोरायसिस का एग्जैक्ट कारण समझा नहीं गया है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि वीकेंड इम्यूनिटी की वजह से सोरायसिस या सोरायसिस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये सोरायसिस की बीमारी नॉर्मल हेल्दी लोगों में भी देखी जा सकती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सोरायसिस हेरिडिटरी होता है, यानी कि अगर फैमिली में किसी को आ जाए तो ये दूसरे इंसान को फैमिली के अंदर आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि पूरी फैमिली में सिर्फ एक इंसान को सोरायसिस है। इसीलिए सोरायसिस का डेफिनेट कारण क्या है ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। कुछ ट्रिगर फैक्टर्स जरूर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसकी वजह से सोरायसिस फ्लेयर अप हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शंस। खासतौर पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से सोरायसिस के सिम्टम्स फ्लेयर अप हो सकते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेसिव स्मोकिंग, स्ट्रेस, इनकी वजह से भी सोरायसिस फ्लेयर अप हो सकता है। वेदर की वजह से, बहुत ज्यादा ठंडी की वजह से भी सोरायसिस फ्लेयर अप हो सकता है। कुछ दवाइयों की वजह से भी सोरायसिस फ्लेयर अप हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं और इन्हें अचानक से अगर बंद कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी सोरायसिस के सिम्टम्स फ्लेयर अप हो सकते हैं। सोरायसिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस सिम्टम्स सेम होते हैं, लेकिन साइट के ऊपर से सोरायसिस को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। प्लाक सोरायसिस सबसे कॉमन टाइप ऑफ सोरायसिस माना जाता है। प्लाक सोरायसिस में सोरायसिस के बड़े बड़े पैचेस आ जाते हैं। वैसा ही गटेट सोरायसिस रहता है जिसमें बहुत छोटे छोटे पैचेस आते हैं। प्लाक सोरायसिस या कटेट सोरायसिस शरीर में कहीं पे भी आ सकते हैं। नेल सोरायसिस सिर्फ नाखूनों को अफेक्ट करता है। इनवर्स सोरायसिस सिर्फ स्किन के फोल्ड्स में देखा जाता है, जैसे कि एल्बोज में, नीज के पीछे, बगल में, जहाँ पे भी हमारी स्किन फोल्ड होती है वहां पे इनवर्स सोरायसिस देखा जाता है। पस्टुलर सोरायसिस और एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस बहुत ही रेयर किस्म के सोरायसिस है। पस्टुलर सोरायसिस में सोरायसिस के पैचेस के ऊपर पस आ सकता है, पस जम सकता है। ये थोड़ा रेयर होता है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो ये बहुत ही पेनफुल हो सकता है। एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ सोरायसिस होता है, लेकिन थैंकफुली ये काफी रेयर होता है। एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस में पूरे शरीर में स्केलिंग होती है, रेड पैचेस आ जाते हैं और स्किन पील ऑफ होने लगती है। ये एक सीवियर कंडीशन हो सकती है और इसके लिए यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन इंडिकेटेड रहता है। कुछ लोगों में सोरायसिस बोन्स तक पहुंच सकता है। अगर सोरायसिस बोन्स तक पहुंच जाए तो इसे सोरायसिस आर्थराइटिस ऐसे कहा जाता है। बोन्स बहुत ज्यादा दुखना, जोड़ों में दर्द रहना, जोड़ों में स्वेलिंग रहना, ये सोरायटिक आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं। किसी भी प्रकार के सोरायसिस में कितने भी बड़े पैचेस हो या छोटे पैचेस हो, इन पैचेस का अपीयरेंस काफी टिपिकल रहता है। ये पैचेस
एकदम रेड रहते हैं। इन पैचेस के ऊपर स्केल्स आते हैं। सोरायसिस के स्केल्स सफेद कलर के होते हैं। इन पैचेस पे काफी सिवियर इचिंग आती है। स्किन में क्रैक्स दिखाई दिए जा सकते हैं। स्किन की अपीयरेंस बहुत ज्यादा ड्राई होती है। सोरायसिस का एक बहुत ही स्टार्क फीचर होता है। सोरायसिस की स्केल अगर निकाल दी जाए, अगर स्केल्स को पील किया जाए तो स्केल्स के नीचे खून आ सकता है। कई बार हमें पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम इतनी ज्यादा खुजली आती है कि आसानी से खून निकलने लगता है। ये भी सोरायसिस का एक काफी टिपिकल फीचर है। अगर नाखूनों में सोरायसिस आ जाए तो नाखून बहुत ज्यादा रफ और उनका शेप चेंज हो सकता है। नाखूनों में वर्टिकल रिजेस आ सकते हैं। नाखून अपने नेल बेड से सेपरेट हो सकते हैं। कई बार नाखूनों में बहुत ज्यादा पिट्स भी आ सकते हैं। सोराइटिक आर्थराइटिस में जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्टिफ, स्वोलन और पेनफुल होते हैं। सोरायसिस शरीर में किसी भी जगह पे स्प्रेड हो सकता है। कई बार ये स्कैल्प में स्प्रेड होके स्कैल्प में डैंड्रफ जैसा अपीयरेंस भी दे सकता है। लेकिन समझने वाली बात ये होती है कि सोरायसिस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। अगर किसी को सोरायसिस की शिकायत हो तो उन्हें छूने से कतराए नहीं, ये बीमारी छूने से नहीं फैलती। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को सोरायसिस की शिकायत हो और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारा ट्रीटमेंट फॉर सोरायसिस का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.